नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। आज सुबह पंजाब के मुक्तसर साहिब में अभी हाल ही में बनी नव निर्मित सड़क को तोड़ने के लिए मुक्तसर नगर काउंसिल के अधिकारी और ठेकेदार पहुंचे। जब इस बात का पता इलाके के दुकानदारों को चला तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद निगम अधिकारी को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। मुक्तसर साहिब दुकानदारों का आरोप है, कई सालों बाद सड़क बनी है और आज नगर काउंसिल के अधिकारी तोड़ने आ गए हैं। हम इस सड़क को किसी हालत में नहीं तोड़ने देंगे, आइए सुनते हैं। एक कारण है भी सड़क नवी बनी है, 2 महीने हुई सारी, ये द्वारा हुण पट्टन फेर आ गया जी। पिछे पानी डुबिया पिया है, शहर के इधरले पासे पानी कढ़ना चाहते हैं, असं इधर पानी कढ़ नहीं देना गा। जेड़े पिछे जितों सड़क बनी है लेवल चक्या रहे, उतो सड़क पड़न सू कोई तरह ही नहीं है, लेकिन असं इधरों नहीं भन्न देने आप जहाँ सीवरेज की सफाई करन, किसी तरह के पानी कढ़न, किसी तरीके पानी कढ़न, सानू इस गल कोई तरह नहीं है, लेकिन असं इधर की पानी सड़क नहीं पट्टन देनी। मेरा नाम रवि कुमार है। जी 12 साल असी संताप भोग इतने साढ़े सड़क से नीवी जदों सारे शहर का पानी इतने इकट्ठा हो गया हो जाता जी। सीवरेज का इतने कोई सिस्टम नहीं है, पानी इतने सारे शहर को पता है 8-8 दिन पानी इतों नहीं निकलता। सी हूँ असी मेहनत तरला करके कमेटी जाके गेड़े मार के बेदी साहब की बेनती करके ये सड़क उच्ची करवा के बनवाई है। इसनों बनी रहन दो, साढ़े रहम करो, असी दुकानदार 8-8 दिन बौनी नहीं करते, बच्चों ने रोटियां असं कितों खवाइए। एक बहुत बड़ा मसला सीवरेज का है, सीवरेज राही पानी निकले ना कि सड़कों के उत्तों दिन जाए। एक तो नगर काउंसिल जल्दी से सड़क बनाती नहीं है, जब बन जाती है तो कोई भी बहाना बनाकर तोड़ने आ जाते हैं। अधिकारियों को चाहिए काम होते वक्त निगरानी करें तो ठेकेदार गलती ना करें। यह थी मुक्तसर साहिब से तरसेम दूदे की खास रिपोर्ट। आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।